बीटा ब्लॉकर्स के बेसिक एसीआर के बारे में सार के बारे में इससे पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं अल्फा ब्लॉकर्स के बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में तो बात करें इस टॉपिक की तो ये टॉपिक है आपके मेडिसिनिस्टर टू का ही पार्ट है एंड इफ यूच मई प्रीय रिगार्डिंगल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फॉर्मकोलॉजी फॉर द बी फॉर्म फोर्थ सेन चेको सो नाउ लेट डिस्कस अबाउट द टॉपिक सो नाउ कम टू द बीटा ब्लॉक मीन्स दिस ड्रग बेसिकली ब्लॉक द बीटा रिसेप्टर्स एंड एबोलिस और एंटेगोनाइज द सिम्थेटिक एक्शन ऑफ द एडनलिन और नॉर एडन तो ऐसे ड्रग जो कि आपके बीटा रिसिप्टर्स जाके बाइंड करते हैं ब्लॉक करते हैं और आपके नॉर एंडोलिन या एंडोलिन के जो सिंथेटिक एक्शन है उसको एबोलिश करते हैं या एंटोगनाइज करते हैं ऐसे ड्रग को हम बीटा ब्लॉकर्स बोल सकते हैं डिटेल जो क्लासिफिकेशन है हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस पे तो बेसिकली ये आपके मेन मेन क्या होते हैं हम देखते हैं तो पहला होता है आपका नॉन सेलेक्टिव अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स मींस ऐसे जो ड्रग हैं जो कि अल्फा पे भी जाके ब्लॉक करते हैं और बीटा को भी ब्लॉक करते हैं वो है आपके लाइबेटोलॉल और कार्बेडिलॉल इसके अलावा है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स मीन्स ऐसे बीटा ब्लॉकर्स जो कि बीटा और बीटा टू दोनों को ब्लॉक कर सकते हैं उनमें है आपके प्रोपेनलॉल और पिंडोलॉल उसके बाद टिमिनॉल भी होते हैं फिर आते हैं कार्डियो बीटा बीटाउन रिसेप्टर ब्लॉकर मीन्स ऐसे जो ड्रग हैं जो कि आपके हार्ट में जो बीटा बीटाउन रिसेप्टर्स हैं उसको ही जाकर ब्लॉक करते हैं वो है आपके एटेनलॉल मेटाप्रोलॉल स्मोलॉल बिस्प्रोलॉल बिटोक्सलॉल एसेविटोलॉल बहुत सारे जो ड्रग हैं फिर आते हैं बीटा टू एग्नटागोनिस्ट उसमें आते हैं बीटोक्सामिन जिसका क्लिनिकली अभी तक कोई यूज़ खास नहीं है तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है आपका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स तो आज हम बात करेंगे बीटा ब्लॉकर्स के सार के बारे में तो बात करें क्वेश्चन वाइज तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इम्पॉर्टेंट आपके है सार ऑफ द सिम्पथोमामेटिक एजेंट्स सिम्पेथोमामेटिक एजेंट्स के सार मेनली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में हो सेमेस्टर एग्जाम में हो या ऑब्जेक्टिव हो या जीपेट में हो इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं जबकि बीटा ब्लॉकर के सार से उतना फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि इनकी जो इंपॉर्टेंस है थोड़ी सी कम है तो इसकी हम बात करते हैं क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं कभी कभी ठीक है तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर बीटा ब्लॉकर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज और टू क्लासेस फर्स्ट इज द एराइल इथेनॉल एमिन मींस ऐसे डेरिवेटिव्स जिसमें एराइल ग्रुप हो इथेनॉल इथेनॉल हो और एमिन हो उसमें आते हैं दो ड्रग हैं साटोलॉल और लेबोलॉल उसके बाद जो मैगजिम ड्रग हैं वो आपके होते हैं एराइल ऑक्सी प्रोपेनॉल लेमिन तो इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके जिसमें आपके प्रोपेनॉल एडेनॉल मेटोपोलॉल एसीटोल एक्सेट्रा अब तो पहला है वो है आपका एराइल एराइल इथेनॉल एमिन तो ये आपका एराइल ग्रुप है ये इथेनॉल ग्रुप है ये एमिन ग्रुप है तो बेसिकली आपके एमिन ग्रुप में ये फिक्स होगा एक तरीके से आइसोपायल ग्रुप इथेनॉल भी फिक्स है इस आपके जो एराइल ग्रुप है बेंजीन ग्रुप है उसमें आपके थर्ड और फोर्थ पोजिशन जो आपके आर है ये चेंज करके हम एक्टिविटी को ऊपर नीचे कर सकते हैं इंटरफेयर कर सकते हैं तो सब्टिशन ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप एट वन और आर वन एंड आर टू विद द बल्की अल्काइल ग्रुप लाइक एसरपाइल ग्रुप एट एन एच आर सोज द एगोनिस्ट एक्टिविटी अगर इन दोनों पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड कर देंगे इस तरीके से और आपके इन पोजिशन पे आइसोपल ग्रुप ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका आइसोप्रल और आइसोप्रोटेनलॉल जो कि बीटा एगोनिस्ट है ये क्या है बीटा एगोनिस्ट ठीक है अब याद रखिए ये क्या है बीटा एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट अब इन पोजिशन को अगर हम रिप्लेस करेंगे इन इन फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करेंगे किसी और से तब उसकी जो एगोनिस्टिक एक्टिविटी है वो लॉस हो जाएगी और एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो होगी फॉर एग्जाम्पल की बात करें ऑफ द द द क्लोराइड एट एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी लाइक डाइक्लोरो ये सेम ड्यूटीज हैं यहां तक पूरा सेम होंगे केवल आपके इस पोजिशन पे हमने क्लोर ग्रुप ऐड कर दिया है तो ये बन गया है एंटागोनिस्ट बीटा रिसेप्टर्स की एट द हाइड्रोक्सरिंग मस्ट फॉर द एगोनिस्ट एंड रिप्लेसिंग विद द अदर सोर्स द एंटास्टिक एक्टिविटी और बात कर चुके हैं तो पहला है आपका है अगर हम इसको मिथाइल सल्फोनामाइड मिथाइल सल्फोनामाइड एट four पोजिशन इन्हेंस द बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी अगर हम हाइड्रोक्सी ग्रुप निकाल के इस पर जो है हम चेंज कर देंगे मिथाइल सल्फोनामाइड तब ये आपका हो जाएगा सोटा जो कि एक तरीके से एंटागोनिस्ट है सिमिलरली फिनाइल इथाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिक फिनाइल इथाइल ग्रुप अगर हम ऐड करेंगे आपके इस एन पे जो मिथाइल ग्रुप है उस पर मेंटेन करेंगे तब भी वो बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी शो करेगी ठीक है तो ये हो गया आपका ला बिटालोल जिसमें हमने इस हाइड्रोक्सी को चेंज कर दिया है एम ग्रुप पे और यहाँ पे जो है एन एच सी एच यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा सी एच टू मतलब आपके इथाइल फिनाइल या फिनाइल इथाइल ग्रुप हमने ऐड कर दिया है ठीक है अगर हम इस एन पे दोनों पे एच को निकाल के भी हम एन डबल आर कर देंगे तब उसकी जो एक्टिविटी है वो

यहां से ठीक है चेंज नहीं होता ये हमेशा क्या होगा ओ सी एच टू सी एच ओ एच सी एच टू एन एच आपका आर क्या होगा एसो प्रोफाइल सी एच सी 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 एच टी ये कॉमन होंगे हम क्यों चेंज करेंगे इस एराइल ग्रुप पे इस एराइल ग्रुप को चेंज करने से उसकी जो सेलेक्टिविटी है बीटा की वो चेंज होगी पोटेंसी भी चेंज होगी एक्टिविटी भी चेंज होगी हम देखते हैं वन बाई वन तो पहला है आपका ओ सी एच टू ग्रुप जो है ओ सी एच टी ग्रुप है बिटवीन द एरोमेटिक रिंग एंड द इथेनोन स्ेशल प्रोडक्टिविटी हम केवल ये जो ग्रुप है ये आपके एरोमेटिक रिंग और इथनॉलमेंट के बीच में ही होना चाहिए इंटरनेस्टिक एक्टिविटी के लिए उसके अलावा बात करें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एरोमेटिक रिंग कैन बी यूजड इन प्लेस ऑफ फिनाइल फिनाइल के अलावा अगर हम डिफरेंट कम्पाउंड डिफरेंट जो आपके रिंग है जैसे कि बात करें नेपथथॉल रिंग है या इंडोल रिंग है तो भी आपके बीटा शो करेगा लेकिन ये जो रिंग्स हैं वो आपके नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं तो नेपथॉल रहेगा तो क्या होगा वो प्रोपेनॉल ठीक है और आपका इंडोल रहेगा तो पिनडोलॉल सिमिलरली ले। लेकिन अगर फिनाइल ग्रुप हुआ तो मैक्सिमम टाइम पे वो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स की तरह काम करेगा जैसे कि बात करें अगर ये सब कुछ सेम रहेगा ओ सी एच टू सी एच ओ एच सी एच टू एन एच सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री ये कॉमन है ये सिमिलर है सभी में केवल चेंज होगा आपका ये ग्रुप तो इसके फोर्थ पोजिशन पर पे हम एस्टामाइट ग्रुप जोड़ देंगे तो बन गया आपका एट्रेन इसकी जगह पर हम लोग मिथॉक्सीथाइल ग्रुप जोड़ देंगे तो बन गया आपका प्रोमेटा प्रोलॉल ठीक है जो भी सेलेक्टिव बिटॉन ब्लॉकर हैं इसके अलावा एल्किनाइल और एल्क् ऑक्सी ग्रुप वेन प्रेजेंट इन द दोजीशन ऑन फिनाइल रिंग गिव्स गुड बीटा एंटिक एक्टिविटी अगर हम इस फिनाइल रिंग पे इस सेकेंड पोजिशन पे आपके एल्किनाइल ग्रुप या फिर एल्क्नाइल ऑक्सी ग्रुप एड करेंगे तो भी बीटा एंटोनिस्टिक एक्टिविटी शो करेगा फॉर एग्जाम्पल प्रेनोलॉल एंड ऑक्सी प्रेनोलॉल ठीक नेक्स्ट है आपका सब्टिट्यूशन ऑफ सी एस थ्री ओ सी एस थ्री और एन ओ टू ग्रुप ऑन फिनाइल रिंग जनरली डन एट द थ्री टू थ्री एंड फाइव पोजिशन एंड एट फोर पोजिशन इज लेस फेवर्ड तो हम जो बाकी जो स्मॉल ग्रुप्स हैं सी एस थ्री हैं ओ सी एस थ्री हैं एन ओ टू हैं उसको हम टू पे थ्री पे या फिर फाइव पे हम ऐड कर सकते हैं सिक्स पे एड कर सकते हैं फोर पे हम नहीं करते हैं तो ये है आपका हो गया मेटी पेंडोलॉल सो दीज आर द बेसिक्स सार ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स ठीक है बाकी नेक्स्ट क्लास में हम जो डिटेल इनके ड्रग्स हैं आपके जो सिलेबस में है प्रोप्रेन लॉल आपके स्मो लॉल वगैरह हैं उनकी डिटेल बारे में हम बात करेंगे सो दीज आर द बेसिक सार ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज प्रेस द लाइक बटन शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग वीडियोज इन लास्ट थैंक यू कीॉचिंग